हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको डेनमार्क के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाला हूं जिसे अभी तक आप नहीं जानते होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया के हर देशों की अपनी एक अलग खूबी और खासियत होती है, लेकिन आज हम आपको डेनमार्क के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ देंगे जिनके बारे में शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क उन चुनिंदा देशों में से एक है जो सबसे कुशल और सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों की गिनती में आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं डेनमार्क के बारे में कुछ मजेदार बातें। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज यार, वीडियो को लाइक कर देना और आप इसको शेयर कर देना। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। प्लीज इतना तो कर दो यार, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर 1, दोस्तों डेनमार्क में एक अजीबोगरीब कानून है। यहाँ के नागरिकों द्वारा डेनमार्क का झंडा जलाने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यहाँ किसी भी दूसरे देश का झंडा जलाना गैर कानूनी है। नंबर 2, दोस्तों न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के अलावा डेनमार्क ही वह देश है जो दुनिया के टॉप 5 सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों की लिस्ट में शुमार है। नंबर 3, डेनमार्क के झंडे का निर्माण 1219 में किया गया था और इसी कारण यह दुनिया के बाकी सभी देशों के मुकाबले सबसे पुराना झंडा है। नंबर 4, डेनमार्क 100 से भी ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है और इनमें से कई द्वीप ऐसे भी हैं जहां आज भी कोई मानव आबादी नहीं है। नंबर 5, दोस्तों आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि डेनमार्क के निवासी अपने मन मुताबिक अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। दरअसल वहां 7,000 नामों की एक सूची है और सिर्फ इसी सूची में से बच्चों का नाम रखा जा सकता है। नंबर 6, दोस्तों आपको यह जान के हैरानी होगी कि डेनमार्क की भाषा में कृपया के लिए कोई शब्द नहीं है। नंबर 7, दोस्तों डेनमार्क को एक चपटा देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ही कम है। और मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क के सबसे ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई भी सिर्फ 170 मीटर है। नंबर 8, डेनमार्क की कुल आबादी करीब 60 लाख के करीब है। नंबर 9, दोस्तों आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि डेनमार्क में सुअरों की संख्या वहां के मानव की आबादी से भी ज्यादा है। नंबर 10, दोस्तों डेनमार्क सिर्फ 42,926 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, यानी अगर आकलन किया जाए तो भारत के हरियाणा जैसे राज्यों से भी छोटा है। नंबर 11, दोस्तों एक सर्वे के अनुसार डेनमार्क दुनिया के सबसे खुश रहने वाले देशों में से एक है। नंबर 12, दोस्तों डेनमार्क के स्कूलों में तैराकी जरूर सिखाई जाती है और इसी कारण यहाँ का लगभग हर व्यक्ति तैराकी में माहिर है। नंबर 13, दोस्तों डेनमार्क के लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं और यही कारण है कि यहाँ साइकिल की संख्या कारों की संख्या से दुगनी है। नंबर 14, दोस्तों 10वीं सदी में डेनमार्क का एक राजा था जिसका नाम हेरोल्ड ब्लूटूथ था और इसी राजा के नाम पर मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले ब्लूटूथ का नाम पड़ा था। नंबर 15, दोस्तों भारत में कार खरीदना बेहद ही आसान है, लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि डेनमार्क में कोई नई कार खरीदने पर 150% टैक्स लागू होता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और आप इसको शेयर कर देना, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और क्या, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।